मेरे को शो ही नहीं कर रहा, अभी करेगा, रुक जाओ। कुछ भी नहीं है ये जहां। आया? हाँ आया, मैं उधर देख रहा हूँ। तूने इसको मेरे इधर बोला है, तू आयो। हाँ आया, आया, आया। हेलो गाइस, हेलो हाय हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो हेलो, एड मी। हाय नैना, नैना हेलो, कैसी है? मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ, मैं लाइव आती ही नहीं हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं लाइव ही नहीं आती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बोल दिया मैंने। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा तुम, थैंक यू अमीर भैया, भैया बोल सकती हूँ ना? तो मेन मुद्दा मेरा सॉन्ग जिंदगी एक सफर है दीवाना, ये वाला नहीं, नया सॉन्ग मेरा। तो मेरा नया सॉन्ग आया है, आई होप इनमें से बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ देखो, मैंने उस पे धोखा दिया है किसी को। और उसने मुझे गोली मार दी है, हेटर्स हो जाओ, उसने मुझे गोली मारी है, देखो मैं मर गई। अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम। हेटर्स को देख के खुशी हो, हेटर्स को देख के खुशी होगी कि मुझे गोली मार दी, ढैच, एक गोली में काम खत्म। अरे एक गोली में मर जाते हैं क्या? कौन सा सॉन्ग? हाँ मरते हैं, क्यों नहीं मरते? एक गोली में मर जाते हैं, ऑफकोर्स मरते हैं। हाँ मैं मरी हूँ ना एल्बम में, और क्या, दोनों मरे, दो मौत हुआ, एक एक मारा है ना बिना ब्लड के लुढ़क। अरे वो ब्लड उठाई नहीं बाद में, रेड कपड़ा था मेरा, उतना समझ नहीं आ रहा था मेरा, उसका वाइट था उसने दिया। अरबाज के ये जो जैकेट पहना था उस जैकेट पे उन लोग डालने वाले थे, तो उसने बहुत झगड़ा किया कि नहीं मैं ये सीन करूंगी नहीं, सीन चेंज करो, करूंगा। तो बोलती कि वो ये समझ नहीं आता उनको। हाय रेनुदी, कैसे हो? तो सीन ये हुआ था, जो देव है, देव और बाकी जो सारे थे वो तो एक जगह टिके थे कि नहीं ये सीन होगा, वो खून आपको डालना पड़ेगा, और अरबाज एक तरफ कि नहीं मैं कोट पे नहीं डालूंगी, चाहे आप मेरे पूरे बदन में डालो, यहाँ पे डालो नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो अगर गोली मारोगे तो यहाँ छिटकेगा तो ज्यादा दिखेगा। तो हुआ सीन बाद में बहुत झगड़ के, नहीं चलो काले को, काला जो उसका टी शर्ट था, शर्ट उस पर डाल दिया, तो वो उसका शर्ट में, उसके शर्ट में ज्यादा पता नहीं चला लेकिन मेरे रेट पे थोड़ा थोड़ा पता चला, तो इसको लेके बहुत बवाल हुआ, समझ रहे हो। अरबाज सीन चेंज कर देगा लेकिन कोट खराब नहीं करेगा बेटा। तो मैं एक ब्लॉग भी डालूंगी, ब्लॉग जो मैंने एडिट कर लिया है। तो एक और गुड न्यूज, मैं अपनी ब्लॉग खुद एडिट करती हूँ, अपनी फोटो में खुद एडिट करती हूँ, अपनी वीडियोस में खुद एडिट करती हूँ, शूट भी खुद ही करती हूँ। नहीं शूट कैसे खुद कर सकती हूँ, जो ऐसे पकड़ के करूंगी वो खुद कर लेती है, लेकिन जो पीछे से करता है वो मेरा एक राज भाई है, वो कर देता है। और मेरा यूट्यूब का थंबल वो भी मैं खुद एडिट करती हूँ, आई एम वेरी टैलेंटेड। I know you are very talented person. तो मेन मुद्दा मेरा एल्बम, कौन कौन नहीं देखा भी कमेंट करो जल्दी, आँख पे लाइट लग रही है, नहीं मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आँख पे लाइट आ गया, जल्दी बताओ किसने किसने नहीं देखा जल्दी। हाँ रेनुदी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अच्छा किसी ने भी अभी तक ना नहीं बोला, मतलब सबने देखा,
अच्छी बात है, थैंक यू। सबने देखा तो थैंक यू, लेकिन अभी तक जिसने नहीं देखा वो जाओ देखो, आपको अच्छा लगेगा जरूर। नैना मुझे पता है तुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ देव भाई, थैंक यू। और क्या बोलने वाली थी मैं, भूल गई। तो मेन मुद्दा गाना मेन मुद्दा मेरा एल्बम, जाओ देखो। और हाँ रील्स भी बनाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, भर भर के रील्स बनाओ, एक ही बना दो काफी है, लेकिन बनाओ तो सही। हाँ मुझे पता है तूने बनाया। देव एक बात बताए अगर देव आप देख रहे हो तो इसने जब सायरा सायरे की बात करी हूँ तो इसने एक ग्रुप के साथ एक स्टोरी बनाई है, तो इसने जब भी पोस्ट किया तो फौरन आपने वो मेंशन बैक किया, बोली अरे देव ने मेंशन बैक कर दिया, देव ने मेंशन बैक कर दिया। तो मैंने बोला अच्छी बात है, बोला देख क्यों नहीं रहा, कहा गया मेरे आंखों का धोखा, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे साथ खेल हो गया। मैंने बोला क्या बोला मैंने उस टाइम, मैंने बोला तू सपना मत देख। हाँ मैंने बोला तू देव की सपना देख रही है अभी से, यार तेरा पति गुस्सा करेगा। ढूंढता उसने तुम्हारे अकाउंट पे भी गया, ऊपर दिखा नहीं तब, लेकिन कुछ देर बाद दिख गया कि नहीं तुमने मेंशन बैक किया। उसने बोल रही कि देख मेरा आंखों का धोखा नहीं है, मेरे साथ खेल नहीं हुआ, मेंशन बैक हुआ। तो ये शायरा बेगम उस टाइम बोला, उस टाइम जसली में कोई हंसी आया तो मैंने सच में, सोनू भाई देख रहे हो कोई जसली, उस टाइम मेरे को सच में हंसी आया था, ये क्या हो गया मेरे साथ। असलम भाई मुझे पता है आपने बनाया, आपका तो सॉलिड हुआ, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। मेन मुद्दा ये है कि बाकी लोगों ने नहीं बनाया, मेरे बारे में बोल, मेरा वीडियो भी बोल। इसने वीडियो बनाया सायरा ने, मैंने इसके वीडियो में कैमरामैन मैं थी, मैंने शूट करके दिया इसका वीडियो और क्या। हाँ नहीं तो एक्टिंग तो मैंने की ना, बार बार तीन बार कॉल करना मतलब समझ, और जिसने तेरा कॉल काटा उसका एक्टिंग कैसा था। देव बोला चलो मैं शायरा मैम को फॉलो कर लेता, देखा देव भी खुश हो गया, बेटा जादू कर दिया तूने। पर देव एक प्रॉब्लम है, ये बुक है देव एक प्रॉब्लम। मोटी तू लाइफ में बोलेगी ये तो मार, तो अभी तक तो मैं सारा कुछ लाइफ में ही बोल दिया। नहीं बोलेगा ठीक, देख देख मैंने सीख, देख बच्चे बोल क्या, बच्चे बोल रहे क्या, बोलो कुछ नहीं, पागल है क्या, मैंने जो बोला तूने सुना ही नहीं क्या, कुछ नहीं तू उधर कॉन्सेंट्रेट कर। चलो अब क्या बोलूं मैं, मेरी बात खत्म हो गई, नहीं अभी कुछ जो टॉपिक उठा उस पर बोलूं। मैं नहीं उठा रही, तू मेरा ही बेइज्जती करती है साथ में। चलो मैं आज की बात बता देती हूँ, तो एल्बम की तो बात है ही, मेन मुद्दा तो वो है, और भी मेन मुद्दा है कि हम लोग दार्जिलिंग आए हैं, तीन दिन हो गया ना दार्जिलिंग आए हो, तो हम लोग दार्जिलिंग आए 3 दिन हो गया, ये मेन मुद्दा भी है कि हम लोग दार्जिलिंग भी आए और बहुत ज्यादा ठंड है इधर, और एक आदमी हीटर लगा के बैठे। हाँ हीटर लगा के, और दरवाजा क्यों खुला है तेरा, मतलब घर के आने वाली थी ना, मैं तब से सोची थी आलसी हूँ, आया क्यों नहीं वो आंटी, तो सारे जो बाकी लोग थे वो तो दुकान चले गए, मार्केट गए, तो अभी बस इस रूम पे, मतलब इस पे उस पे दो रूम है, तो मैं और सायरा ही है बस, और बाकी सारे हमें छोड़ के चले गए घूमने, शॉपिंग करने गए। तो हमने उस टाइम पे क्या किया, बिग बॉस देखा, मेरा ब्लॉग मैंने एडिट किया, अब मैं ब्लॉग भी डालूंगी यार, मैं भूल गई बोलना आपको, यूट्यूब पे ना। हाँ तो गाइस बोल, हाँ उठ सुबह 3:30 को उठ, नहीं भाई ये एक चीज हो गया था, आज हमें निकलना था 3
3:30 बजे निकलना था, जो ड्राइवर था वो आया ठीक टाइम पे, करेक्ट टाइम पे आया, 3:30 बजे आया, गेट पे धमाधम मारे, हम लोग सब सुन रहे, लेकिन उसके साथ जो वो मार रहे और डॉगी भी चिल्ला रहा है, तो हम भूल गए कि हमें 3:30 बजे उठना था, वो जो खटखट खटखट कर रहे, तो हम डर के मारे उठे ही नहीं, क्योंकि बाहर कुत्ता भी चिल्ला रहा है, इसीलिए हमने उठा ही नहीं। फिर हम लोग निकले 12 बजे, सुबह 12 बजे वही आदमी आया, फिर तक उन्होंने कहा कि भाई हम 3:30 बजे से आपको बुला रहे, आप आ ही नहीं रहे। तो हमने सोचा कि, फिर हमने बोला कि भाई सॉरी, हमें लगा कोई गुंडा गुंडा है, इसलिए हमने दरवाजा ही नहीं खोला। और वो भाई साहब बुला 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 के थक थक के फिर रिटर्न चले गए 3:30 बजे उठाने। और ये हम जहाँ पे है ना, दार्जिलिंग तो ऐसे पहाड़ पहाड़ के ऊपर घर है, सबको पता होगा, तो हम लोग पहाड़ के ऊपर है, तो नीचे से ऊपर आने में हालत टाइट हो जाती, बहुत सारा सीढ़िया है, कितना होगा फिर भी 40-50 सीढ़िया चढ़ के इधर आना पड़ता है। हंसो अमित भैया, यही सीन हो गया सुबह, हील पहन के हमें नीचे जाना पड़ता है, हील पहन के हमें ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि खाली पैर हम चल नहीं सकते, बहुत ठंड है, पागल है क्या, खाली पैर चल रहे तो बोल चल नहीं सकते। ये भी है, तो बताओ किसने किसने मेरा एल्बम नहीं देखा, मेन मुद्दा तो यही है ना, इसे नहीं छोड़ सकती मैं। तूने ऐसा का एक बैनर लगा हाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मेन मुद्दा जिंदगी, किसने किसने नहीं देगा, जिसको जिसको मेरा सॉन्ग अच्छा लगा वो बनाओ इस गाने पे रील्स, मैं उसको मेंशन बैक करूंगी, अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी और बोलूंगी कि अच्छा हुआ आपका। तो आज हम गए थे जगह क्या रॉक क्या था जगह का नाम, आज रॉक डार्लिंग क्वीन नहीं, रॉक कुछ था, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, रॉ नहीं था, रॉक रॉक कुछ था, रॉ ओनली जस्ट रॉ। यहाँ पे कोई है जो दार्जिलिंग से, रॉक गार्डन गए थे हम लोग, कोई है क्या, ऑरेंज वैली गए थे, ऑरेंज वैली चाहे वो टी वाला जो, अच्छा चलो हम ऑरेंज वैली पे गए थे, जगह बहुत सुंदर था, लेकिन मतलब वहां पर पानी जैसा था, झरना था, इतना हवा चल रहा था, इतना ठंड लग रहा था, रॉक गार्डन देखा मैंने, बोला रॉक गार्डन, पागल, ऑरेंज वैली, वैली भी गए थे यार, ऑरेंज वैली नहीं गए हम लोग, सेकंड बार जो गए थे वो टी वाला गार्डन को, वहां पे लिखा हो नहीं था, अच्छा वो टी वाले गार्डन को ऑरेंज क्या, ऑरेंज वैली बोलते हैं वो नीचे, मतलब बहुत दूर है इधर से, देख हम कहाँ गए थे, क्वीन ऑफ हिल्स गए थे, गधी ये तो तूने बोला ही नहीं, मेरी गलती नहीं, क्वीन ऑफ हिल्स कब बोला तूने, तूने ऑरेंज वैली बोला, उससे पहले बोला था मैंने, तूने ऐसे इग्नोर मारा मुझे, बोलते रो रो रॉक गार्डन गए तो बट उस जगह का रॉक गार्डन रॉक, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा है, थैंक यू रेनु दी, आपका भी गला बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छी हूँ। याला ये आग पे लग रहा है, झूठ में दिखा के मारे सू, नहीं तू जा खोल, मैं क्यों जाऊंगी, मतलब मेरे को ही उठना पड़ेगा, हाँ तेरा ड्यूटी है आज का, झूठ में धोखा के मारे सू, प्यार में धोखा के मारे सू, क्या लाए मेरे लिए, कुछ भी नहीं, मेरे लिए क्या लाए, ठंडा बहुत बाहर, देख के तो इतना कुछ लग रहा है, मेरे लिए है क्या, साला पाद लग चुका हूँ, मैं लाइव में हूँ, लाइव बैग था क्या, नहीं फ्रंट, कितने लोग हैं, देखा मैंने ये करके आज नहीं हुआ अभी सब, हुआ था बहुत था था अभी, मेरा रहने का अलग होता है, तू देखी नहीं, चलो इसको कुछ गलत फैमिली है, फैमिली गलत कुछ है, मेरा है ये किसका है, सुंदर लग चल,
क्यों म्यूट क्यों किया तूने? मिस्टी छिलो ना एक तो जोल भी ज्यादा अरे मैंने बोला ये म्यूट कर दिया इसी करके सुगर के लिए अरे वो आंटी खाना ले सोनू भाई चाय वाला देखे फिदा हुए छ बड़ा सोनू भाई आप चाय वाले पे फिदा हो गए ये किसी और लड़के पे फिदा हो गई पता है कैसे देव पे मजाक से बोला था सच निकली देखा ये मेरा है अभी लेते ना मेरा है मैं दिखा रही हूँ अभी सीन चल देव आपके लिए अब कुछ सीन चल रहा है करो करो तूने मेरे भाई को धोखा दिया अच्छा देव इम्पोर्टेंट हो गया देव आपकी वजह से यहाँ पे झगड़ा हो रहा है ए भगवान राम 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 तो बात बात सोनू भाई बना चलो चलो हे भगवान अच्छा धीरे मैं लाइफ पे हूँ धीरे ए राज के देखा रखो क्या देख राज के देखा आपका बोल रहा हूँ मैं पहनी है मैं मैं पहना है मेरा दोनों बार दुनिया पूरी जिंदगी में आचो सुनी है और मेरा मैंने बस मेरा किसका है ये सब मेरे लिए नहीं लाया थोड़ा बहुत है कुछ ना से क्यों बोला है दो चार थे तो हम ही कोटा हम ही तो दो टाली देव के लिए ये कैसा लगा है ना ब्यूटी देव के लिए साली मैं तुम्हारे लिए जूता लाए एक जूता नहीं दो जूता जूता दो है अरे मेरे सॉन्ग के बारे में कोई कुछ बोलेगा क्या और ये सॉलिड है ये मैं कब से ढूंढ रही थी 5 नंबर है ना ये इसका उतना ही दाम होगा 3-4-5 हाँ इसका दाम 5-200 हमारे होटल नीचे ये किसका है हाँ इसका दाम ऐसे ही है 7-5 ऐसे ही है सॉलिड लग रहा है मेरा पसंद का मैं अच्छा नहीं लगा इस पे देखो थोड़ा सा हील भी ये है तो बना लगा तो लाइफ पे धीरे जैकेट है ये देख सॉलिड है नो पहन के देख सॉलिड नो अरे वो तो मैंने ये अरबाज ने मेरे लिए शॉपिंग करके लाया ढिंक चिका पहन के देख बहुत अच्छा सॉलिड लग रहा है यार बहुत अच्छा है सायरा वो कितना अच्छा लगता है लाइट में पता है देख रहा था हम लोग चलो मैं किसी को आज की पार्टी नहीं दी असल में हम बाहर आए ना घूमने के लिए दार्जिलिंग गुस्सा किया अभी तक बोल तो कैसे क्यों कर एक मिनट बात ही नहीं है तुम लोग को पता ही नहीं हुआ क्या तो हम लोग मैं और सायरा रूम पे थे ये सारे लड़के लोग बाहर गए थे मार्केट तो ये अपने लिए भी खरीदे और हमारे लिए भी खरीदे तो अभी जब घर पे नया शॉपिंग अभी जब रूम पे मुझे ये नहीं अच्छा लगा अगर आप शॉपिंग करोगे तो आप खुशी होगे ना तो मेरे लिए कपड़े लाए तो मैं खुश हूँ इसीलिए सब चिल्ला रहे इधर पागल हो चुके सारे हाय सागर मैंने देखा नहीं देखने बोला वो लाइट को साइड में रखो ना रिंग लाइट लगाएगा तब आ जाएगा रिंग लाइट भी कौन जाएगा लाने के लिए ना थोड़ा चार लोगों बैठा हुआ जा राज अरे ठहरे रुको आज की पोतों में राजा हूँ अच्छा आप लोग भी आने वाले हो दार्जिलिंग आ जाओ बहुत प्यारा जगह है लेकिन गर्म का कपड़ा बहुत भर भर के लाना क्योंकि हमने नहीं लाया इसलिए हम पछता रहे मुझे लगा कि यार गर्मी होगी तो इसलिए मैंने वैसा कुछ कपड़ा लाया ही नहीं मुझे कलर अच्छा नहीं लगा नहीं बा अब वो अच्छा लगा ये बहुत प्यारा है मोटा भी है सॉलिड वीडियो में सॉलिड लगेगा थैंक यू ये देखो ए सबको दिखा तुमने मेरे लिए क्या कर ये बैग कैसे करते दिखाओ मेरे लिए क्या क्या लायो रेड कलर मैंने लाया ये अच्छा नहीं लग रहा ये पिंक वाला नहीं स्वेटर ये बैग मुझे ये खाना 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 लेके आ जाओ इधर नहीं 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 उधर ही जाएंगे लगा दिया ये खो गया ये वाला लाया चलो पहले खाना खाएंगे चलो ये मैं तो बहुत क्यूट लग रहा है कभी खरीदा क्यूटी अब ने देखा मुझे ऐसा जैकेट कभी खरीदते मुझे अच्छा लगा ले लिया
नहीं अच्छा लगा फोल्ड करके रखो मैं कल रख दूंगा। सुबह से सुबह भी लाए तो जूता भी दिखाओगे? ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला सॉरी थैंक यू। कम मैडम कम आपको एक चीज बहुत अच्छा लगेगा। क्या? मैंने आपके लिए स्टूल लाया। हाँ वाओ ये रखो ये मैं सुबह पहनूंगी। ये स्टूल लाया। वाओ बहुत सॉफ्ट है सॉलिड। पिंक वाला ये मम्मी को दूंगी। रखो एक मम्मी को दूंगी। हाँ इसमें रखो। मम्मी के लोग के लिए भी लाया। ठीक है वो बाद में दिखाना अभी दिखाऊंगी तो मम्मी देख लेंगे। देखो तो अभी बहुत कुछ है और भी है मेरे लिए। मेरे लिए है यार। ये सॉल कैसा लगा? सॉलिड लग चुका तो किसके लिए? ये देखो कैसा लगा वो। किसका है? ये सब बिग बाजार का है। मेरा है। वाओ अच्छा लगेगा। ये मैं कल पहनूंगी ये वाला। ये तो और ज्यादा फाड़ू फाड़ू। ठीक है। हाँ फाड़ू ठीक है। अरे वो खाना खाना खा लो। चलो चलो खाना खा लो। अरे मैं लाइव बंद कर दूँ क्या? तो और एक मुद्दा अरबाज के साथ मेरी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था तो वो मुझे मनाने के लिए इतना सारा शॉपिंग मुझे करके इतना सारा गिफ्ट लाया मेरे लिए। रुलाया भी बहुत है इसने। तो गाइस तो अभी खाना खाने जा रहे हैं ना। तो मैं खाना खा के आऊँ फिर मैं लाइव आती हूँ क्योंकि अभी होटल पे तो वो बंद करके सोने जा रहे हैं। तो खाना खा के आते हैं फिर बात करते सबसे। बहुत देर से वो है। चलो चलो आंटी आ रही है तो बाय 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 हुई। बस गलत बात ब्रो। नहीं गलत बात नहीं अभी लड़ाई नहीं करेगा तो इतना सब कुछ कहाँ से लाएगा। लड़ाई किया तभी तो मुझे मिला। थैंक यू। तो बाय बाय गाइस बाय 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 बाय।